मेरा नाम सत्या सिंह कुशवाहा है और पूरे यूपी स्टेट में प्रथम अंक ला के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। जैसे कि सर, इवेंट को खेलने के लिए राइफल और पिस्टल होता है। अच्छा। तो वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं खुद अपने आप। अच्छा। कि राइफल लेंगे पिस्टल, और सर एक कार्ड होता है जो टारगेट पेपर हम लोग का होता है। अच्छा। तो वो 10 पॉइंट का होता है जिसमें हम लोग फायरिंग करते हैं, और उस पर न्यूमेरिकल अंक से लिखा रहता है 1-2 जैसे। अच्छा। उस पर जैसे हम लोग शॉट चलाते हैं तो सेंटर में लगता है अगर, तो 10 पॉइंट होता है, तो उसको 10 पॉइंट काउंट किया जाता है। ऐसे ही 40 शॉट का हम लोग का मैच होता है। जो सत्या कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको हम लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए, और इस उपलब्धि पर निश्चित रूप से जनपद गाजीपुर का नाम रोशन हुआ है, समाज का नाम रोशन हुआ है। तो सत्या को हम लोग ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग का छोटा भाई कह लीजिए सत्या, आगे निकल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के बच्चों के अंदर प्रोत्साहन की भावना जाएगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र गाजीपुर जिला खेल में कुछ समय से पिछड़ा था, लेकिन आज के डेट में अगर इंडियन क्रिकेट टीम में देख लिया जाए, सूर्य कुमार यादव हैं और मेरा भाई ये छोटा भाई सत्या जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कुछ ही महीनों के समय में पूरे स्टेट में प्रथम रैंक लाया, तो मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है कि मेरा छोटा भाई कहीं ना कहीं आने वाले जो अगले राष्ट्रमंडल खेल हो या ओलंपिक हो उसमें जाएगा और भारत के लिए मेडल लेकर आएगा और हमारे लिए गौरवान्वित पल होगा। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के भावरपुर ब्लॉक के पास एक गांव है, उस गांव में मौजूद हूँ, और वो गांव बढ़नपुरा है, बढ़नपुरा भावरपुर गांव के ब्लॉक के अंतर्गत ही गांव आता है। इस गांव का एक बच्चा उत्तर प्रदेश राइफल शूटिंग में 400 में 383 अंक पाया है राइफल की शूटिंग में, और एक अच्छा पदक हासिल इसने किया है। सत्या सिंह कुशवाहा है ना? यस सिंह कुशवाहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस खेल में दिलचस्पी आपको कैसे पैदा हुई? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम सत्या सिंह कुशवाहा है और पूरे यूपी स्टेट में प्रथम अंक ला के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। जैसे कि सर, इस इवेंट को खेलने के लिए राइफल और पिस्टल होता है। अच्छा। तो वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं खुद अपने आप। अच्छा। कि राइफल लेंगे पिस्टल, और सर एक कार्ड होता है जो टारगेट पेपर हम लोग का होता है। अच्छा। तो वो 10 पॉइंट का होता है जिस पे हम लोग फायरिंग करते हैं, और उस पे न्यूमेरिकल अंक से लिखा रहता है 1-2 जैसे। अच्छा। उस पे जैसे हम लोग शॉट चलाते हैं तो सेंटर में लगता है अगर, तो 10 पॉइंट होता है, तो उसको 10 पॉइंट काउंट किया जाता है। ऐसे ही 40 शॉट का हम लोग का मैच होता है। अच्छा। तो 40 मतलब एक कार्ड 10, तो 400। तो सर वैसे ही एक कार्ड पे जैसे 8 मारे 9 मारे वैसे ही लगते जाता है, तो अंक काउंटिंग होती है। अच्छा। ये खेल का शौक कैसे पैदा हुआ? सर शौक ऐसे ही सर, गन का शौक था। अच्छा। तो मैं अपने पिताजी से बोला था, तो मेरा एडमिशन करवाए थे, और मैं खेलता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने देश और क्षेत्र का नाम रोशन करूँगा, और आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तैयारी है। इस खेल में जाने के लिए कब शुरुआत करनी चाहिए? सर इसकी एज रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, एज लिमिट। अच्छा। 12th के बाद कोई भी कर सकता है। कर सकता है। यस सर। तो शुरू में बच्चा कहाँ सीखेगा इसमें जाने के लिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। शुरुआत में जैसे गांव के बच्चे, स्टार्टिंग में गांव के बच्चे को अगर कोई सिटी में जहाँ अच्छी जगह इसकी ट्रेनिंग होती है वहाँ जाना पड़ेगा, और एडमिशन करवा के और सीख सकता है कोई भी नॉर्मल। इसमें ना कोई गन की लाइसेंस रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, स्पोर्ट के लिए गन की आवश्यकता है उसको। हाँ, गन लेना पड़ेगा सर। तो फिर पुलिस पकड़ लेगी गन? तो नहीं सर, उसका जो स्पोर्ट के लिए होता है, उस सरकार जो गवर्नमेंट है उसको छूट दी है, कुछ नहीं। इसमें सर जैसे आगे जाने पर 0.22 कैलिबर की गोली होती है, उसका लाइसेंस रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अच्छा। जो नेशनल के बाद हम भी लेंगे। अच्छा। तो इस खेल के भी जो गांव का बच्चा जो है वो शुरू कर करना, आपको देखने के बाद वो शूटर बनना चाहता है, राइफल शूटिंग जाना चाहता है, तो उसे फर्स्ट पे क्या लेकर के कहाँ शूटिंग करना चाहिए बताएंगे गांव के लोगों को ऐसा? यस सर, जैसे कोई गांव का बच्चा है वो अगर शौक रखा है कि शूटर बनेगा, तो पहला प्राथमिकता है कि वो
ये जानकारी ले कि इसका जो एकेडमी है कहाँ बेहतर जो शिक्षा दे सकता है वहाँ जाए और प्राप्त करे कि क्या कैसे आगे पता चल जाए, उसके बाद हो सकता है। यस सर। तो अपने क्षेत्र के लोगों को, गांव के से आप भर के गए हैं, आप क्या बच्चों को संदेश देना चाहते हैं? मैं सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट फेडरेशन हो जी, कबड्डी या कोई भी सर, उसमें जो बच्चा खेल रहा है या कि नहीं पढ़ाई में वो नहीं उस लाइन में भी आगे वो जा सकता है और अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सकता है। अभी आपका क्या योजना है? अभी सर जैसे मैं स्टेट खेला हूँ, प्रथम आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्षेत्रवासियों को, और आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तैयारी है। तैयारी? यस सर। इनकी तैयारी कहाँ कहाँ होती है? लखनऊ, दिल्ली और कौन सी जगह? साउथ में होती है? साउथ में भी? साउथ में भी होती है सर, त्रिवेंद्रम में होती है। यस सर। त्रिवेंद्रम तो इंटरनेशनल है, वहाँ पे नवंबर में हम भी जाएंगे नेशनल खेलने। अच्छा। यस सर। अभी आपने सुना, इस खेल खेलने के लिए बच्चों को सीखने की ज़रूरत है और हर खेल खेल होता है। पहले राज्य के लिए खेलिए, उसके राष्ट्र के लिए खेलिए और आप पूरा क्षेत्र आपके लिए दुआएं कर रहा है कि आप ओलंपिक में जाएं, वहां से आप देश के लिए मेडल लाएं। ये खेल कब हुआ था, कहां हुआ था और कौन कौन इसको किस तरह सर? जो UPSRA गवर्नमेंट जो इवेंट खिलाते वो 16 से लेकर 19 तक था जी। और मेरा एकेडमी का नाम शूटिंग चैंप्स एकेडमी है, जो गोमती नगर में स्थित है। थैंक यू सर। तो ये खेल किस तारीख हुआ था आपका? ये 16 मई से लेके 19 मई तक इवेंट था। ये खेल के गवर्नमेंट फाइनेंस करती है कि सेल्फ लोग करते? गवर्नमेंट करती है सर। गवर्नमेंट करती है। यस। इस खेल करने जीतने के बाद फिर आपको गवर्नमेंट कहाँ भेज सकती है? अब इसके बाद प्री नेशनल की तैयारी करेंगे। यस। आज हमारे जनपद गाजीपुर में एक बड़ा उपलब्धि हुई है, मुबारकबाद देने के लिए बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के मशहूर नेता राजेश सिंह कुशवाहा से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की सेशन को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो सत्या कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको हम लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए, और इस उपलब्धि पर निश्चित रूप से जनपद गाजीपुर का नाम रोशन हुआ है, समाज का नाम रोशन हुआ है। तो सत्या को हम लोग ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्षेत्र के लोगों को इस क्षण को देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप इस मौके पर इतना हम कहना चाहते हैं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है गाँव में, बस उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको एक उचित प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार कम से कम ऐसे प्रतिभाओं को बाहर निखारने का एक मौका दे, जगह जगह पर खेलकूद के मैदान, ग्राउंड इस तरीके से, और बहुत सारी सुविधाओं को यदि दिया जाए तो हमारे गांव में ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कि जिनको हम लोग स्टेट नहीं बल्कि देश लेवल पर जनपद गाजीपुर का नाम रोशन कर सकती हैं। क्या महसूस कर रहे हैं कि हमारे सरकार द्वारा ऐसे लोग बच्चों को निखारने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं? देखिए, वो एक राजनीतिक बात हो जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जनपद गाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दिया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो स्टेडियम गोरखपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज तक उस ग्राउंड की बाउंड्री करा करके छोड़ी जा चुकी है। तो हम लोग तो सरकार से चाहते हैं कि वो जनपद गाजीपुर में जो समाजवादी पार्टी की शुरू की गई योजना थी खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से, उसको फिर से प्रारंभ करना चाहिए। देखा आपने, क्या सोच था लोगों का, गाजीपुर हर लिहाज से आगे था और यहाँ के बच्चों को आगे निखारने की कोशिश की गई थी। मैं इसे राजनीतिक बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ निवेदन ज़रूर करता हूँ राजेश जी से जानकारी हासिल करने के बाद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जो योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा गाजीपुर के लिए मिली थी, उस सौगात को आप ले तो गए ज़रूर, लेकिन दोबारा भी यहाँ वापस करने की कोशिश करें। इस वक्त जिला पंचायत सदस्य उषा मुरिया जी मौजूद हैं, यहाँ आई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज इस क्षण को किस रूप में देख रही हैं और अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
मैं सत्या कुशवाहा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अपने समाज परिवार का नाम रोशन करके आज गांव में आए हुए हैं। मैं इनके उस उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपना परिचय देते बताइए कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो उस सत्या को मैंने कोट कोट धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का और गांव का इतना बड़ा बढ़िया रोशन नाम किया है कि उसका कोई हमारे पास मिसाल नहीं है कि कोई शब्द का मैं उसको मिसाल दे पाऊँ। और मैं अभी भगवान से यही याचना करूँगा कि ये दिन दूनी रात चौगनी करे और नेशनल इंटरनेशनल तक जाए और डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का और हमारे गांव का तो नाम रोशन होगा ही होगा। बस इसी के लिए मैं आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन दिनेश पांडे हूँ। वो आर्मी से रिटायरमेंट आप हैं तो आप तो इसके बारे में अधिक जानते होंगे, इस खेल के बारे में, इसके बारे में जानते हैं, तो गांव के लोगों को इस बारे में थोड़ा बताएं आप। गांव के लोगों को एक क्षमता की, एक जागरूकता की ज़रूरत है। इन लोगों को, हर बच्चों को भविष्य के लिए जागरूक किया जाए और जागरूक करके इनको प्रोत्साहित किया और इनको आगे की तरफ अग्रसर मार्ग दिखाया जाए। अपना परिचय देते बताइए आप कि आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस माहौल को देखते हुए आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान तरकाव बंगाली राय, इतने सुनकर इतना खुशी हुआ कि हमारे क्षेत्र का लड़का प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जा रहा है, उससे और जो तमाम नौजवान हैं उनको एक इससे प्रेरणा मिलेगी और लोग आगे बढ़ेंगे। गांव के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? गांव को के लोगों को संदेश यही देना है कि जो आपके बच्चे हैं, जितने गार्जियन हैं, सारे बच्चों को, थोड़ा सा भी गार्जियन अपना कुछ समय निकाल करके बच्चों पर ध्यान दे तो हमारे ही परिवार के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा करके जिले और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। कि बच्चा कामयाब हुआ है, यहाँ कुछ लोग खास उपस्थित हैं, मैं इनसे खुद परिचय जानते हुए मैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पे आप लोगों का क्या कार्यक्रम है, क्या प्रोग्राम रहेगा, कृपया बताएं। जी मैं ग्राम प्रधान भदौरा हूँ। आज 26 मई के दिन ग्राम प्रधान बड़नपुरा जी के बड़े पुत्र श्री सत्या कुशवाहा जी का आज स्टेट यूनियन का जो शूटिंग का प्रतियोगिता होता है उसमें प्रथम रैंक लाए हैं, इसीलिए हम लोग सारे प्रधान और क्षेत्र के लोग इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हम लोग। तो इस अवसर को देखते हुए अपने गांव के लोगों को और क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जिस तरीके से हम लोग का छोटा भाई कह लीजिए सत्या आगे निकल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के बच्चों के अंदर प्रोत्साहन की भावना जाएगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र गाजीपुर जिला खेल में कुछ समय से पिछड़ा था, लेकिन आज के डेट में अगर इंडियन क्रिकेट टीम में देख लिया जाए, सूर्य कुमार यादव हैं और मेरा भाई ये छोटा भाई सत्या जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कुछ ही महीनों के समय में पूरे स्टेट में प्रथम रैंक लाया, तो मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है कि मेरा छोटा भाई कहीं ना कहीं आने वाले जो अगले राष्ट्रमंडल खेल हो या ओलंपिक हो उसमें जाएगा और भारत के लिए मेडल लेकर आएगा और हमारे लिए गौरव पल होगा और इस पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी हमारे लिए। आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हम ग्राम प्रधान कठार आनंद सिंह यादव, प्रधान संघ उपाध्यक्ष भांवरकुल। आज भांवरकुल के समस्त प्रधान जी ग्राम पंचायत बढ़नपुरा में उपस्थित हुए हैं और सभी प्रधान जी को प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश राय बंगाली जी के नेतृत्व में यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं हम लोग, और हम लोग इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र एवं इलाके एवं देश प्रदेश में ऐसे ही बच्चे इनके जैसे बन करके अपने माता पिता क्षेत्र जनता का नाम रोशन करें। और संदेश क्या देना चाहते हैं छोटे बच्चों को आप अपने गांव पर? छोटे बच्चों को संदेश यही देंगे कि हर बच्चे इनके जैसे बनने की कोशिश करें। अब मेरी मुलाकात हो रही है बच्चे की पिताजी से। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको इस जग तक पहुंचाने में किन किन सुविधाएं हुई हैं और अब क्या करना चाहते हैं? हमने अपने बच्चों को सिर्फ सुविधा दिया, लगन के साथ उसने मेहनत किया,
और मेहनत के बल पर ये अपना मुकाम हासिल किया है, जिसके पीछे पूरे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जनपदवासी, प्रदेशवासी सबका आशीर्वाद है। हमारे दरवाजे पर आए प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश राय बंगाली, प्रधान गण सब, मास्टर साहेब, पूरा ग्रामवासी आए हैं। मैं इनके इस काम के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं यही चाहूंगा कि सबका आशीर्वाद बना रहे, मेरा लड़का नेशनल खेले।